हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि टर्की के प्रेसिडेंट ने जो है वो लास्ट वीक जो है एक अप्रूवल दिया था सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक का अगेंस्ट कर्दिश मिलिटेंट्स इन नॉर्दर्न सीरिया। तो उसके बाद जो है नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई नॉर्दर्न सीरिया के अंदर कर्दिश मिलिटेंट्स के ऊपर। तो इसके साथ ही टर्की के प्रेसिडेंट ने वार्निंग भी दी थी कि एक बहुत ही जल्द एक ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पेशली टर्की के अंदर कुछ वीक्स अगो जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था इस्तंबुल के अंदर, जिसके अंदर 6 लोग जो है वो मारे गए थे और 80 जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो उसके बाद टर्की ने ब्लेम किया था कि कुर्दिश सेपरेट्स जो है वो इस एक्सप्लोजन के अंदर इन्वॉल्व थे। तो कुर्दिश ग्रुप ने इसको डिनाई किया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि टर्की ने जो है नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक्स जो है वो स्टार्ट कर दी। टर्की का कहना था कि ये सिर्फ बिगेनिंग है और इनको जो है जो टेररिस्ट इस इलाके के अंदर मौजूद है नॉर्दर्न सीरिया के अंदर इनको जो है यहां से खाली कराया जाएगा। तो वेनसडे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना था टर्की की कि 471 टारगेट्स हिट किए गए, जिसमें 254 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और इसको ऑपरेशन क्रॉस सोर्ड का नाम दिया गया, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो है वेरीफाई नहीं की जा सकी। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक प्लेज किया था कि वो सीरिया के अंदर इनकर्जन करेंगे और मई के बाद, बल्कि उन्होंने मई में कहा था कि जो है एक ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन ये इन्वेजन जो था इसका मकसद उनका कहना था कि एक सीरिया के अंदर एक 30 माइल का एक सेफ जोन क्रिएट करना था, 30 किलोमीटर का एक सेफ जोन क्रिएट करना था, जिसके अंदर जो भी टेररिस्ट है उनको खाली कराया जाएगा इस इलाके के अंदर से, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो स्पेसिफिकली काम करें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ मिलकर, और ये वो PKK ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, जिसको टर्की और US दोनों जो है टेररिस्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट ने जो मई में प्लेज किया था कि एक ग्राउंड इनकर्शन जो है वो किया जाएगा सीरिया के अंदर, लेकिन उसको अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, या उसको जो है ऑपरेशनल अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी कंट्री की एक बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है सीरिया के अंदर। और अभी जो है रशिया और अमेरिका दोनों ने जो है टर्की को एक वार्निंग भी दी है कि टर्की इस तरह के ऑपरेशन से बाज रहे। तो यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत है मिस्टर अर्दोगान को, जब तक उनको रशिया की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं मिलती वो ग्राउंड इनकर्शन जो है वो सीरिया के अंदर नहीं कर सकते। तो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर ये जो कुछ इलाके हैं ये अंडर द कंट्रोल ऑफ कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिनको SDF भी कहा जाता है, तो उनके अंडर हैं और ये वही SDF ग्रुप है जिसको अमेरिका जो है सपोर्ट करता है और स्पेशली इसको फाइट अगेंस्ट ISIS जो है वो 2014 से US जो है इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जो SDF ग्रुप है स्पेशली जो है ये बैकबोन है कुर्दिश पीपल प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG मिलिशिया ग्रुप का, और इसको भी टर्की जो है कंसिडर करता है कि ये भी PKK का एक जो है वो विंग है और इसको भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे SDF और YPG और PKK जो है ये तीनों जो है तकरीबन टर्की इनको जो है टेररिस्ट ही कंसिडर करता है। तो हम कह सकते हैं कि PKK जो है वो एक लार्ज ग्रुप है जिसको टर्की टेररिस्ट कंसिडर करता है, फिर उसका सब पार्ट जो है YPG और फिर उनके साथ जो है SDF जो है इस एलाइज में है। तो ये तीनों जो है इनको टर्की जो है वो टेररिस्ट कंसिडर करता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टर्की ने अगर अपनी मिलिट्रीज को मूव करना होता तो उससे पहले उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग की, ड्रोन स्ट्राइक्स की, उसके बाद एक या दो दिन के बाद उनकी फोर्सेस शायद इंटर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ता हो चुका है और टर्की जो है वो ड्रोन्स और आर्टिलरी शेल्स ही यूज़ कर रहे हैं और अभी तक टर्की ने अपनी फोर्सेज को इंटर नहीं किया नॉर्दर्न सीरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रीज़न यही है कि US और रशिया की तरफ से उसको जो है ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टर्की को रोकने के लिए पहले रशिया का ये कहना है कि टर्की जो है वो बशार अल-असद के साथ जो है इसमें कमिटमेंट करे और इनको इंगेज करे, और उसके बाद जो है कुछ इस तरह के एग्रीमेंट करने के बाद जो है फिर इस तरह के ऑपरेशन किए जाएं। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि US अभी तक अलाउ नहीं कर रहा है टर्की को, क्योंकि वहाँ पे YPG ग्रुप जो है उसको अमेरिका यूज़ करे अगेंस्ट ISIS। लेकिन यहाँ पे दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है चेंज हो रही है, टर्की जो है वो US के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली US की जो फॉरेन पॉलिसी है जो कि अब मिडल ईस्ट से हटकर जो है उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो यूरोप और एशिया के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूक्रेन वॉर के अंदर जो है टर्की एक बहुत बड़ा अलाय बन के सामने आया है, तो टर्की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है US जो है वो टर्की को रोकने की कोशिश करे। यहाँ पे टर्की ने एक और फ़ायदा भी उठाया था जब जो है स्पेशली स्वीडन और फिनलैंड जो है नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो टर्की ने इसके ऊपर जो है काफ़ी इतराज़ात शो किए थे और टर्की की मर्ज़ी के बगैर जो है ये नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकते थे कि टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है टर्की ने अपनी कुछ डिमांड भी सामने रखी थी जिसको US जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो हो सकता है कि US यहाँ पर जो है टर्की को अलाउ कर दे। तो ये फ्रेंड्स ये थी आज की पॉडकास्ट जिसमें हमने आपको सीरिया के अंदर चेंजिंग सिचुएशन के बारे में कुछ बताया और किस तेज़ी से जो है वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है और डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं और किस तरीके इसका लिंक जो है अगेन जो है यूक्रेन वॉर के साथ जो है बनकर सामने आया, जहाँ पे टर्की जो है बड़े जो है टेक्निकल तरीके से एक लिवरेज जो है वो वेस्ट से हासिल करके
ये जो ग्रुप हैं जो कि टर्की को काफ़ी अरसे से नुकसान पहुंचा रहे हैं, सेप्रेस जो हैं, इनको जो है टर्की जो है वहाँ पर क्लियर आउट कर सकता है। तो अब ये देखना होगा कि टर्की कितने अरसे में जो है वो ग्राउंड इंक्रेजन जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ओपिनियन से जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि टर्की के प्रेसिडेंट ने जो है वो लास्ट वीक जो है एक अप्रूवल दिया था सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक का अगेंस्ट कर्दिश मिलिटेंट्स इन नॉर्दर्न सीरिया। तो